अलीगढ़ में भाजपा नेता ने एएमयू में प्रवेश परीक्षा में उर्दू कंपलसरी होने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है। भाजपा नेता ने मांग किया है कि प्रवेश परीक्षा से उर्दू की अनिवार्यता को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि गैर इस्लामिक छात्रों से कुरान और हदीस से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, जबकि एएमयू में प्रवेश के लिए सभी धर्मों के लोग फॉर्म भरते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 6वीं, 9वीं और 11वीं की प्रवेश परीक्षा में इस्लामिक कल्चर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जिसका विरोध भाजपा के पूर्व जिला संयोजक डॉक्टर निशित शर्मा ने किया है। उन्होंने कहा कि एएमयू में प्रवेश परीक्षा के लिए आयोजित एंट्रेंस पेपर में इस्लामिक कल्चर अनिवार्य विषय है। इससे ऐसा लगता है कि इस्लाम के अवैध प्रचार प्रसार को छात्रों पर अधिरूपित किया जा रहा है। साइंस स्ट्रीम में प्रवेश के लिए 10 अंक इस्लामिक स्टडीज संबंधित प्रश्न अनिवार्य हैं। वहीं कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में भी सीरत रसूल, कुरान और हदीस के साथ ही मुसलमानों का भारत में इतिहास, औरंगजेब और टीपू सुल्तान विषयों पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। डॉक्टर निशित शर्मा ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हर धर्म का छात्र प्रवेश के लिए आवेदन करता है और इस प्रकार का इस्लामिक पाठ्यक्रम अनिवार्य करना भारतीय संविधान और कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध है। डॉक्टर निशित शर्मा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मांग की है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 11वीं कक्षा के प्रवेश परीक्षा से इस्लामिक पाठ्यक्रम को हटाया जाए। बता दें कि डॉक्टर निशित शर्मा भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से BDS कर चुके हैं। इस्लामिक कल्चर हटाए जाने को लेकर उन्होंने सांसद सतीश गौतम और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तारिक मंसूर से भी निवेदन किया है। डॉक्टर निशित शर्मा ने बताया कि किसी भी संप्रदाय के छात्र को AMU में एडमिशन लेना है तो उसे इस्लामिक कल्चर का विषय अनिवार्य रूप से पढ़ना है, क्योंकि प्रवेश परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर उसे देना पड़ेगा। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो प्रॉस्पेक्टस हैं वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो प्रॉस्पेक्टस प्रवेश परीक्षा के लिए दिया है, उसमें साइंस स्ट्रीम के लिए सभी प्रश्न इस्लामिक कल्चर से पूछे जाएंगे। वहीं आर्ट और कॉमर्स की एंट्रेंस परीक्षा में भी कुरान हदीस की पढ़ाई के साथ औरंगजेब और टीपू सुल्तान को महिमा मंडित करते हुए सवाल पूछे जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस्लाम से संबंधित शिक्षा उसे पढ़ना अनिवार्य है जिसे लगता है कि इस्लाम का प्रचार किया जा रहा है, छात्र पर इस्लाम थोपा जा रहा है, उसे हिंदू या अन्य धर्मों के छात्रों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर इस्लामिक कल्चर विषय को प्रवेश परीक्षा से हटाने की मांग की है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो 11th का एंट्रेंस एग्जाम है उसको ये संबंधित एक विषय है। जब भी कोई छात्र वह किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, उसे अगर दाखिला लेना है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, तो इस्लामिक कल्चर और इंडो इस्लामिक स्टडीज का विषय उसे पढ़ना पड़ेगा। यह अनिवार्यता है कि उसको प्रवेश परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है 11th एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें यह स्पष्ट है कि साइंस स्ट्रीम के लिए 10 अंक के प्रश्न इंडो इस्लामिक के पूछे जाएंगे और कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के एंट्रेंस में अघोषित रूप से कितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि कुरान और हदीस की पढ़ाई, जिसमें कि महिमा मंडित करते हुए अकबर और औरंगजेब की पढ़ाई, टीपू सुल्तान को महिमा मंडित करते हुए पढ़ाई, और इस्लाम से संबंधित जितनी भी शिक्षा है वह उसे पढ़ना अनिवार्य है। एक तरीके से अगर कहा जाए तो इस्लाम का इल्लीगल प्रोपेगेशन है ये। इस्लाम को इम्पोज करना, अधिरोपित करना किसी छात्र के ऊपर, यह है ये। किसी भी हिंदू छात्र के या अन्य धर्म के किसी छात्र के जो गैर इस्लामिक छात्र है उसके जो अधिकार है, स्वतंत्रता है, उसका हनन है ये। तो इसी विषय में मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया HRD मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे मंत्री हैं केंद्रीय, कि इस विषय को एंट्रेंस एग्जाम से हटाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यह हनन है और कहीं ना कहीं इस्लाम को थोपने का विषय है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।